कपूर को टेलीविजन पर फैंटेसी शोज बनाने के लिए जाना जाता है और हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो अपने नए शो की प्रिपरेशंस में लग चुकी हैं, जो कि बेस्ड होगा ब्यूटी एंड द बीस्ट पर। और इसके लिए सामने आया था टीवी एक्टर मोहसिन खान का नाम, पर हम आपको बता दें कि मोहसिन खान इस शो का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। उनकी जगह इस शो में नजर आएंगे द वेरी टैलेंटेड टीवी एक्टर कुशाल टंडन। कुशाल टंडन ने 6 सालों से टीवी पर काम नहीं किया है। वो लास्ट नजर आए थे सीरियल बेहद में, जिसके बाद अब वो एकता कपूर के इस फैंटेसी शो के साथ टीवी पर कमबैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुशाल को फाइनलाइज कर लिया गया है और इस अपकमिंग शो की शूटिंग जनवरी के सेकेंड हाफ में स्टार्ट कर दी जाएगी। कहा जा रहा है कि ये एक फाइनाइट सीरीज होने वाली है जो सिर्फ वीकेंड्स पर ही एयर की जाएगी और कुशाल टंडन को दोबारा से टीवी पर देखना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। उन्होंने जब बेहद शो खत्म किया था उसके बाद से एक्टर ने अपना फोकस OTT प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट कर लिया था और वो कई वेब शोज में, यहाँ तक कि म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आए थे, लेकिन उनके फैंस ने उन्हें हमेशा टीवी पर मिस किया। और अब कुशाल पूरी तरह से तैयार है टीवी पर अपनी ऑडियंस को एक बार फिर से एंटरटेन करने के लिए, वो भी ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसे शो के साथ। कुशाल टंडन के ऑपोजिट कौन सी एक्ट्रेस नजर आएगी उसकी अभी तक कोई भी कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल एक्टर को दोबारा से टीवी पर देखने के लिए उनके फैंस एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। एकता कपूर का एक और फैंटेसी शो भी काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, जो है भेड़िया, जिसमें करण कुंद्रा, कश्मीर महाजनी और रीम शेख नजर आएंगे। और इसकी तो शूटिंग भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और मसूरी का शेड्यूल कंप्लीट भी किया जा चुका है।